खबर आ गई इस वक्त, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे, आपको बता दें कि जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। 11वां दिन है आज इस आंदोलन का, दूसरे अगले दौर में ये पहुंच चुका है। किसानों ने अब पलवल में भी जाम लगा दिया गया है। इससे पहले हमने आपको फरीदाबाद की भी तस्वीरें दिखाई जहां दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार है, और अब यहां पर किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। पलवल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली कूच की जिद पर ये किसान अड़े हुए हैं, यहां पर जाम लग गया है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहां आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, देखिए किस तरह से ये स्थिति बनाई गई है, और इसके बाद से यहां जाम की बड़ी समस्या जो है वो पैदा हो गई है आम जनता के लिए। दिल्ली कूच की जिद पर ये किसान अड़े हुए हैं, लगातार हर जगह ऐसे किसानों को रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पलवल की तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन पर देख पा रहे हैं, जो सीधा हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें पलवल की दिखा रहे हैं, जो नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है इन किसानों की तरफ से, और इन किसानों की जिद है कि वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली कूच की अपनी इस जिद पर किसान लगातार अड़े हुए हैं, और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कई जगह से आ रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको फरीदाबाद की तस्वीरें दिखाई और हरियाणा के कई जिलों से इस तरीके की तस्वीरें देखी गई हैं, और कई राज्यों से भी किसान जो हैं वो तमाम बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से हर जगह से भारत के अंदर ये तस्वीरें आ रही हैं, किसान आंदोलन एक व्यापक रूप लेता जा रहा है, बड़े स्तर पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस बीच किसानों की तरफ से 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, हालांकि 9 दिसंबर को जरूर केंद्र सरकार की तरफ से एक मीटिंग की बात कही गई है, जो कि छठे दौर की बैठक होगी। हालांकि जो 5 दौर की बैठक हो चुकी है वो बेनतीजा रही है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पलवल से हमारे संवाददाता भगत तेवतिया जुड़ गए हैं। भगत, किस तरीके की जानकारी आ रही है, किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस नेशनल हाईवे के जाम होने की वजह से? जी, यहाँ पर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से लगातार जो नेशनल हाईवे नंबर 19 पर पलवल केजीपी और केएमपी का जो इंटरचेंज है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के जो सैकड़ों किसान यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, और रोड पर ही पिछले 3 दिनों से उन्होंने अपना खाने पीना सारा इंतजाम यहीं पर किया हुआ है। आज और पीछे से काफी सैकड़ों किसान और बढ़ जाने की वजह से आज यहाँ पर पूरा, जैसे ही पुलिस ने, क्योंकि उनको रोका हुआ है किसानों को यहाँ पर, तो यहाँ पर जो किसानों ने रोड जाम पुलिस के रोकने की वजह से यहाँ पूरा नेशनल हाईवे नंबर जो 19 है, दिल्ली से आगरा जाने वाले लोगों को भी यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन अब पुलिस ने, स्वयं पुलिस अधीक्षक यहाँ पर जो यातायात को लोगों पुलिस बल के साथ यहाँ पर संभालने में लगे, और पलवल से हथीन और होडल होते हुए जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। बिल्कुल भगत सिंह, जो किसान यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये जाम लगाया हुआ है, उनका क्या कहना है यहाँ पर? जी, किसानों का कहना है कि जो उनके, जब तक वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर अपना वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पलवल पुलिस ने पिछले 3 दिनों से यहाँ पर रोका है। उनका कहना है कि वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर अपनी मांग उठाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं बैठने दे रही, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर रोड पर बैठने का निर्णय किया और रोड जाम किया हुआ है। बिल्कुल भगत सिंह, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, अब छठे दौर की बैठक की बात भी कही जा रही है, और ये जानकारी भी तमाम देश के जो किसान हैं उन तक पहुंच रही है। इस बैठक को लेकर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? जी, किसानों का कहना है कि सरकार उनकी समस्या को हल नहीं करना चाहती और बार बार बैठकों का दौर कर केवल किसानों को गुमराह करने में लगी है, और 8 तारीख के बंद की तैयारी में पूरे किसान लगे हैं। उनका कहना है कि भारत बंद का जो ऐलान 8 तारीख को किसान संगठनों ने किया है, उसमें पूरा देश का किसान एकजुट होकर सड़कों पर और पूरे देश को बंद करने में काम करेगा, ताकि सरकार को उनकी आवाज सुनाई दे। बिल्कुल भगत सिंह, जिस तरह से अभी आपने तमाम जानकारी दी, ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किस तरीके के यहाँ किए गए हैं? जी, यहाँ पर पुलिस किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर चारों तरफ मौजूद है। वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सहित तमाम यहाँ पर नेशनल हाईवे पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, और वहीं यात्रियों को अब, क्योंकि रोड जाम पिछले 1 घंटे से रोड नेशनल हाईवे नंबर जाम था, 19 जाम है, इसकी वजह से पुलिस ने अब अतिरिक्त फोर्स लगा करके रूट को डाइवर्ट किया है, ताकि पलवल से जो आगरा जाने वाले लोग हैं वो हथीन से होटल होते हुए आगरा जा सके। बिल्कुल भगत, बहुत शुक्रिया भगत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर